गालिब को आप बैठा देख लेना तो लगता ही नहीं कि फिर ये कभी उठ पाएगा। है क्या इसका अपने शरीर पे पूरा कंट्रोल नहीं है। अभी वैसे भी थोड़ा राम भरोसे ही चलता है, इसका जबड़ा भी हमने तार से बांध रखा है, पर फिर भी अब ये केले भी खाने लगा है और घास भी धीरे धीरे खा लेता है। पहले से तो इसकी हालत में काफी सुधार है। जब अभिषेक जी इसको कांगड़ा से यहां लाए थे तो इसकी हालत काफी खराब थी। एक एक्सीडेंट में इसके तीनों पैरों में चोट लग गई थी और समय से मदद ना मिलने के कारण उस चोट में कीड़े पड़ गए थे। और तो और इसका जबड़ा भी इस कदर टूट गया था कि यहां आके ये खा पी नहीं पा रहा था और 3 दिन तक हमने इसको फ्लूइड्स पे ही रखा। अब गालिब के आने के बाद 2 चीजें हुई, एक अच्छी और एक बुरी। क्योंकि इसके जबड़े का इलाज हम नहीं कर सकते थे तो हमने सरकारी अस्पताल से सर्जरी की डेट लेने का प्रयास किया, पर हमें डेट मिली नहीं। इसी दौरान एक डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारी टीम को ट्रेन करने आए हुए थे, तो उनकी गाइडेंस से ना सिर्फ गालिब की सर्जरी यहीं पे हो गई बल्कि आगे के लिए भी हमारी टीम को ये सर्जरी करनी आ गई। जो बात गालिब के किस्से से मेरे जहन में आई वो ये कि भाई गालिब को देख के बिना उसकी मदद किए कितने लोग आगे बढ़ गए। शायद उन्होंने सोचा भाई कोई और भी तो इसकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन जब अभिषेक जी गालिब की मदद करने के लिए रुके तो और भी लोग मदद करने के लिए आगे आ गए। तो यानी कि इंसानों में भी भेड़ चाल है, कुदरत ने इंसान को भी ऐसा बनाया कि वो उसी दिशा में जाएगा जहां पे आगे वाली भेड़। पर हाँ, ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने आप को कितना बुलंद करते हैं और हम आगे वाली भेड़ बनते हैं या पीछे वाली।